हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गर्भ निरोधक गोली के पार्ट 3। राइट, सो पूरी गर्भ निरोधक सीरीज आपको देखना है अगर आपको गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानना है। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि गर्भ निरोधक गोलियां मतलब क्या होती है। सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि ये कैसे काम करती है, किस तरीके से आपको गर्भधारणा नहीं होने के लिए मदद करती है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्भ निरोधक गोलियों के कितने प्रकार होते हैं। राइट, तो कुछ गोलियों में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन ये दोनों हार्मोन हो सकते हैं, बट कुछ गोलियों में सिर्फ प्रोजेस्टिन नाम का हार्मोन होता है। तो वन बाय वन इसे हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कौन सी गोलियां, कौन से प्रकार की गोलियां मोस्ट कॉमनली एज अ गर्भ निरोधक गोली करके हम इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है प्रोजेस्टिन ओनली पिल, या फिर जिसे हम कहते हैं POP, यानी कि प्रोजेस्टिन ओनली पिल, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टिन नाम का हार्मोन होता है, जिसे हम मिनी पिल करके भी जानते हैं। तो ये मिनी पिल या फिर POP किन महिलाओं को दी जाती है? जो महिलाएं जनरली ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स है, मतलब जो स्तनपान कर रही है, इन महिलाओं को ये प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन कॉम्पोनेंट नहीं होता है। जनरली स्तनपान करने वाली महिलाओं में कोई भी गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा जाता है, मेनली पहले 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे आपके शिशु के लिए, आपके बच्चे के लिए मिल्क सप्लाई कम हो सकता है। राइट, तो जनरली 6 महीने के लिए हम एडवाइज नहीं करते हैं, बट अगर इमरजेंसी है, अगर कुछ करना ही है, तो नो डाउट लो डोज पिल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर सेफ आपको कोई ऑप्शन है या लेना चाहते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल आप पहले 6 डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद शुरू कर सकते हैं। राइट, तो ये रहा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। सेकेंड कैटेगरी है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कि नाम ही बताता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों हार्मोन होते हैं, बट इनमें भी आगे 4 प्रकार है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम ज्यादा है या अलग मात्रा में डाला गया है, तो उनकी कैटेगरीज चेंज होता है। तो इसमें 4 प्रकार कौन से हैं? मोनोफेजिक पिल्स, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक और 4-फेजिक पिल्स। तो मोनोफेजिक पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन की मात्रा पूरे जितना भी जो पैकेट होता है उसमें गोलियां होती है, उसमें सभी गोलियों में सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है, और ये सभी गोलियां आपको जिन जितने पैकेट में है वो लेनी होती है, ताकि आपको गर्भधारणा न हो। सेकेंड कैटेगरी है बायफिजिक पिल, जिसमें इस्ट्रोजन की मात्रा इन सभी गोलियों में जो पैकेट में गोलियां है वो सेम होती है, कांस्टेंट होती है, बट प्रोजेस्टेरोन जो गोलियां होती है वो पहले 14 दिन के लिए अलग होती है, और 14 दिन के बाद जो गोलियां लेनी होती है प्रोजेस्टेरोन की, उसमें उसकी मात्रा बढ़ाई दी जाती है, बट इस्ट्रोजन का कॉम्पोनेंट सेम होता है। देन थर्ड कैटेगरी है ट्राइफिजिक पिल, इसमें पहले 7 दिन, नेक्स्ट 7 दिन और उसके नेक्स्ट 7 दिन, ऐसे 21 दिनों के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की गोलियां होती है। और 4-फेजिक पिल, जैसे कि नाम ही बताता है, इसमें 4 प्रकार की गोलियां आपको दी जाती है। राइट, इसके डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं, बट जी हाँ, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट कैटेगरी हमने देखा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टिन नाम का हार्मोन होता है, और सेकेंड कैटेगरी जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसमें 4 प्रकार होते हैं। अब ये चारों प्रकार में से जो मोनोफेजिक पिल है वो मोस्ट कॉमनली यूज पिल होती है। नॉर्मली जो बाजार में या मार्केट में ये जो आप डॉक्टर्स आपको ये गोली देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वो मोनोफेजिक पिल होती है, मतलब उन सभी गोलियों में एक सरी का कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो आपको गर्भ निरोधक करके इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। देन थर्ड कैटेगरी है सेंट्रोमेन या फिर ऑर्मेलोक्सीफेन नाम की दवाई की, ये भी गर्भ निरोधक करके हम इस्तेमाल करते हैं। इसे जनरली पहले 3 महीने के लिए हफ्ते में 2 बार ये गोली लेनी होती है, और 3 महीने के बाद इसे जनरली हफ्ते में सिर्फ 1 बार ली जाती है, बट इसकी इफेक्टिवनेस इतनी नहीं होती है, इसलिए ये मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होती है। और जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया है, वो है मोनोफेजिक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। राइट, देन नेक्स्ट कैटेगरी है 4th कैटेगरी, वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जैसे कि नाम ही बताता है, अगर आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है और आप ये ऐसा महीने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना आपने शुरू नहीं किया है, बट आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, उस समय आपको अगर लगता है कि आपको दिन रह सकते हैं, तो आपको 72 घंटे के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर ये गोली लेनी चाहिए। बट अगर इसे आप 24 घंटे के अंदर लेते हैं, 1 दिन के अंदर ये गोली लेते हैं, तो इसका इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा होता है। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी लेनी है, तो आपको चैनल पे जाके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। सो लास्टली मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि ये गोलियां, इतने प्रकार की गोलियां सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको डिसीजन नहीं लेना है कि आपके लिए कौन सी गोली सही रहेगी। जब भी आप गर्भ निरोधक गोलियां लेना चाहते हो, आपको गर्भधारणा नहीं चाहिए, तो आपको सबसे पहले आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को या स्त्री रोग तज्ञ से जाके मिलना है, उनको आपकी कंडीशन बतानी है। अगर आप
ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो, स्तनपान करा रही हो, या आपको और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, या और भी कई बीमारी है, मिर्गी है, एपिलेप्सी है, तो आपको जो भी हेल्थ कंडीशन आप डील कर रहे हो वो आपके आपके डॉक्टर को बताना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको आपके लिए सही दवाई चुन के आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। सो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और लास्टली इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें।